दोस्तों गुलर्मो डेल टोरो हॉरर जॉनर में एक बहुत ही जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। उनकी ही आई थी कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज और आज की जो हम मूवी डिस्कस करने वाले हैं वो भी उनके द्वारा ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस दोनों करी गई है। इनफैक्ट इस हॉरर फिल्म को 3 ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले हैं और इस फिल्म का नाम है पैन्स लैबिरिंथ। तो आज की वीडियो में हम मूवी की कहानी को डिस्कस करने के साथ साथ कुछ थियोरीज पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी 1944 के स्पेन की है जब सिविल वॉर तो खत्म हो गया था लेकिन कुछ पहाड़ी इलाकों में काफी पॉलिटिकल और मिलिट्री इनस्टेबिलिटी थी, यानी कि लोकल लोगों ने फासिस्ट रूल के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें एक बच्ची दिखती है जो कि धीरे धीरे अपना दम तोड़ रही होती है और बैकग्राउंड में उसे कोई लोरी सुना रहा होता है। इसके बाद हमें एक कहानी बताई जाती है जहां पे अंडरग्राउंड रेल्म नामक एक डिस्टोपियन रेल्म में एक राजकुमारी रहा करती थी। इस राजकुमारी को हमेशा से ही ह्यूमन वर्ल्ड में आने की इच्छा थी और एक दिन वो सबसे भाग के ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाती है लेकिन वहां के तेज रोशनी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपनी दुनिया की सारी याददाश्त खो बैठती है। ह्यूमन वर्ल्ड के हार्श एनवायरमेंट को वो झेल नहीं पाती और जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ उसके पिता यानी कि अंडरवर्ल्ड रन के किंग को ये भरोसा था कि कभी ना कभी कोई तो उनके बेटी को वापस लौटा देगा, मे बी इन अ डिफरेंट फॉर्म इन अ डिफरेंट बॉडी, लेकिन वो लौटेगी जरूर। अब सीन चेंज होती है और हम देख पाते हैं कि एक बच्ची इसी कहानी को पढ़ रही थी फ्रॉम अ स्टोरी बुक। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मूवी के शुरुआत में जो बच्ची हमने देखी थी वही थी। उसका नाम ओफेलिया था और वो अपने प्रेग्नेंट मदर कार्मेन के साथ ट्रैवल कर रही है। रास्ते में उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है और वो गाड़ी को रुकवा देती है। ओफेलिया गाड़ी से उतर के वहीं जंगलों में आसपास घूमती है और रास्ते पे उसे एक म्यूरल का टूटा हुआ पार्ट मिलता है। थोड़ी ही दूर पे उसे वो मूर्ति भी दिख जाती है और वो उस टूटे हुए हिस्से को जोड़ देती है और उस मूर्ति के मुंह से एक ग्रास हॉपर जैसा इंसेक्ट निकलता है। ओफेलिया को वो एक फेरी लगता है। यहाँ से वो अपनी माँ के साथ मिल तक जाती है जहाँ पे उसके स्टेप फादर कैप्टन विडाल रहते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों माँ बेटी के कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि ओफेलिया के बायोलॉजिकल फादर एक टेलर थे जिनके मौत के बाद कार्मेन कैप्टन विडाल से शादी की सिंस उनका उस पर बहुत एहसान था, लेकिन इस बात से ओफेलिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो कैप्टन को अपना पिता नहीं मानती थी। जल्दी वो लोग मिल पहुंच जाते हैं जहां पहले इंट्रोडक्शन से ही हमें पता चल जाता है कि कैप्टन विडाल एक लाइकेबल कैरेक्टर नहीं है, इन शॉर्ट अच्छे इंसान नहीं है। वो पहले तो उनके आने में जो देर हो गई थी उसको लेके ही गिड़गिड़ाते हैं लेकिन नाराजगी छुपाते हुए वो उन दोनों का स्वागत करते हैं। पहले तो कार्मेन के आते ही वो सबसे पहले अपने बच्चे की चिंता करते हैं और कार्मेन को जबरदस्ती व्हील चेयर में बिठाने को इमोशनली फोर्स करते हैं। ओफेलिया भी हैंडशेक करने के लिए अपना लेफ्ट हैंड तो आगे करती है एंड कैप्टन को गुस्सा आ जाता है। यहाँ से एक बात तो हम व्यूअर्स को क्लियर हो जाती है कि कैप्टन काफी मैनिपुलेटिव और डोमिनेटिंग टाइप का इंसान है। अब इसी सीन में हम फिल्म के दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से भी मिलते हैं। पहली है मर्सिडीज कैप्टन की हाउस हेल्प और दूसरे हैं डॉक्टर फेरेरो कैप्टन के पर्सनल डॉक्टर। जब सब बैगेजेस और कार्मेन को लेके बिजी होते हैं तब ओफेलिया को फिर से वही जंगल वाला इंसेक्ट दिख जाता है जिसका पीछा करते हुए वो एक लैबिरिंथ यानी कि एक भूल भुलैया तक पहुंच जाती है। मर्सिडीज उसको बताती है कि ये लैबिरिंथ काफी पुराना है और यहाँ पे उसे अकेले नहीं आना चाहिए क्योंकि वो खो सकती है। बातों बातों में हम मर्सिडीज और ओफेलिया को धीरे धीरे बॉन्ड करते हुए देखते हैं। कमिंग बैक टू स्टोरी, वेल रात को कैप्टन जब अपने सोल्जर्स के साथ गुरिल्लास के खिलाफ स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे होते हैं तब मर्सिडीज भी उनके कॉन्वर्सेशन को सुन लेती है, मतलब ओवरहियर करती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर फेरेरो कार्मेन को सोने की दवा देते हैं। अब यहाँ पे जब डॉक्टर फेरेरो निकल रहे होते हैं तब मर्सिडीज उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो आके एक बार घाव चेक कर ले क्योंकि किसी की हालत खराब थी। अब एट दिस पॉइंट हम नहीं समझ पाते कि यहाँ किसके घाव की बात हो रही है लेकिन कहानी में आगे सब क्लैरिफाई कर दिया जाता है। खैर डॉक्टर मर्सिडीज को एक रैप्ड पैकेट पकड़ा के वहां से निकल जाते हैं। यहाँ ओफेलिया उनकी बातें सुन लेती है लेकिन वो किसी को कुछ बताती नहीं। रात को सोते वक्त कार्मेन ओफेलिया को अपने होने वाले सिबलिंग को एक कहानी सुनाने को कहती है। ओफेलिया के टेल में एक पहाड़ पे एक नीला गुलाब था जिसको जो भी पिक कर लेता वो इमॉर्टल हो जाता, लेकिन उस गुलाब पे जहरीले कांटे थे और इसीलिए कोई हिम्मत नहीं करता था। ऐसे ही वो गुलाब एक दिन मुरझा जाता है एज कोई भी उस तक पहुंच ही नहीं पाया। पैरेलली हम कैप्टन विडाल को देखते हैं जो अपने रूम में बैठे एक पॉकेट वॉच की मरम्मत कर रहे होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर फेरेरो विडाल के कॉन्वर्सेशन में पता चलता है कि कार्मेन को उस हालत में ट्रैवल नहीं करना चाहिए था लेकिन कैप्टन के जबरदस्ती और जिद के कारण वो मिल तक आती है और उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई है इसी ट्रैवल की वजह से। नॉट ओनली दैट लेकिन विडाल बार बार उसके अनबॉर्न चाइल्ड को सन कह के रेफर करता है जबकि हमें पता नहीं कि वो सन होगी या डॉटर। जब डॉक्टर फेरेरो इस बारे में विडाल को कन्फ्रंट करता है तो वो कहते हैं कि उनका पूरा भरोसा है कि उनका बच्चा एक बेटा ही होगा।
एनीवेज आगे पेट्रोलिंग के टाइम एक सर्जेंट को दो लोग मिलते हैं और वो सस्पेक्ट करते हैं कि वो लोग भी उन्हीं रेबल ग्रुप्स के पार्ट थे। इन दिस सीन विडाल के अग्रेसिव, सैडिस्ट और इंपल्सिव नेचर हमें देखने को मिलती है, जब वो बिना कुछ प्रूफ मिले ही बहुत ही घिनौने और बेरहम तरीके से इन दोनों लोगों को मार देता है, ओनली टू रियलाइज कि वो लोग इनोसेंट फार्मर्स थे जो रैबिट्स को हंट कर रहे थे। ये बात जानने के बाद भी उनमें कोई पश्चाताप नहीं दिखता। दूसरी तरफ ओफेलिया को रात में वो जंगल वाला इंसेक्ट फिर से मिलने आता है। ओफेलिया उसे अपनी बुक से एक फेरी का पिक्चर दिखाती है और वो इंसेक्ट मैजिकली अपना शेप शिफ्ट करके एक छोटे से फेरी में तब्दील हो जाता है। वो इसका पीछा करते हुए उसी लैबिरिंथ के बीचों बीच एक वेल तक पहुंच जाती है। वो इस वेल के सीढ़ियों से नीचे एक ऑल्टर में आती है और यहां उसकी मुलाकात सैतर से होती है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी में सैतर बेसिकली एक हाफ ह्यूमन हाफ गोट की तरह दिखता है। यहां उसे फॉन कहा गया है। फॉन उसे यो हाइनेस कहकर पुकारता है और यहां पे एक बड़ा रिवेलेशन होता है कि ओफेलिया असल में प्रिंसेस मुआना थी, अंडरवर्ल्ड के किंग की बेटी। जी हां दोस्तों, मूवी की शुरुआत में जिस राजकुमारी की बात हो रही थी वो और कोई नहीं बल्कि ओफेलिया खुद थी। ये बात पहले तो ओफेलिया विश्वास नहीं करती, लेकिन फॉन बताता है कि वो असल में मून से बॉर्न हुई थी और उसके लेफ्ट शोल्डर पे एक मून का मार्क भी होगा टू प्रूव द सेम। प्रिंसेस मोआना के पिता जो कि अंडरवर्ल्ड के राजा हैं, वो फॉन को पूरे दुनिया में पोर्टल्स बनाने की जिम्मेदारी दिए हैं ताकि मोआना किसी भी पोर्टल का इस्तेमाल करके जब भी जन्म लेगी तो वो अंडरवर्ल्ड वापस आ पाती। इस लैबिरिंथ के अंदर ही आखिरी पोर्टल है। टू प्रूव हरसेल्फ ओफेलिया को तीन टास्क करने पड़ेंगे बिफोर द फुल मून। फॉन उसे एक बुक ऑफ क्रॉसरोड्स देता है टू गाइड हर और एक पोटली पकड़ाकर अंधेरे में गायब हो जाता है। फॉन उसे बता देता है कि बुक में लिखाई तभी विजिबल होगी जब ओफेलिया अकेले में उसे रीड करेगी। तो अगले दिन सुबह ओफेलिया बाथरूम में नहाते वक्त चुपके से वो किताब पढ़ती है एंड मैजिकली खाली पन्नों में एक मैप अपीयर होता है। आईने में भी वो देख पाती है कि उसके कंधे पे एक्चुअली एक मून मार्क था, प्रूविंग कि ओफेलिया ही प्रिंसेस मोआना थी। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ जाती है जहाँ रात में डिनर के अरेंजमेंट्स मर्सिडीज कर रही थी, जहाँ वो काफी बिजी भी थी। इस दौरान हम देखते हैं कि वो एक छोटा सा नाइफ अपने ड्रेस के फोल्ड्स में छुपा लेती है। अपने पिछले रात के एक्सपीरियंस ओफेलिया मर्सिडीज से शेयर करती है और मर्सिडीज उसे फोन से दूर रहने के लिए कहती है। इसी वक्त विडाल आके मर्सिडीज को बुलाते हैं। एक्चुअली विडाल ने एक बहुत ही गंदी चाल चली थी टू फाइट अगेंस्ट द गोरिल्लास। उन्होंने सारा खाना अपने स्टोर हाउस में होर्ड करवा दिया था विद द इंटेंशन कि बाकी सारे सिविलियंस उन पे डिपेंडेंट हो जाएं फॉर देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड। उन्होंने मर्सिडीज से स्टोर रूम की चाबी भी ले ली थी और इसके तुरंत बाद उन्हें पहाड़ों में धुआं दिखता है, यानी कि विलेजर्स वहीं आसपास थे। विडाल अपने ट्रूप को लेकर पहाड़ों में चले जाते हैं और वहां उन्हें एंटीबायोटिक्स के वायल मिलते हैं जो गोरिल्लास से छूट गया था। एनीवेज दूसरी तरफ ओफेलिया अपने पहले टास्क को कंप्लीट करने पहाड़ों में उस मैप को फॉलो करते हुए एक ट्री तक पहुंचती है। उसके पहले टास्क के तहत उस पेड़ के जड़ों में एक टोड था जिसको उस फॉन का दिया हुआ तीन पत्थर खिला के उसके पेट से एक गोल्डन की लेके आना था। ओफेलिया कीचड़ और कीड़ों के दलदल में रेंगते हुए उस टोड तक पहुंचती है और काफी आसानी से ये टास्क पूरा भी कर लेती है। रात में डिनर के दौरान कैप्टन अपने राशन के प्लान को बाकी ऑफिसर्स के साथ शेयर करते हैं एंड यहाँ हम डॉक्टर फेरेडियो मर्सिडीज को थोड़ा चिंतित देखते हैं। मर्सिडीज एक लैंप लेके जंगलों में लकड़ियां लेने के बहाने निकल जाती है, लेकिन वो जंगल में पहुंचते हैं, किसी को सिग्नल्स भेजती है और तभी ओफेलिया उसके सामने आके खड़ी होती है। दोनों एक साथ मिल लौटते हैं। अब रात को फिर से ओफेलिया लैबिरिंथ के पोर्टल में फॉन से मिलने जाती है। यहाँ पे ओफेलिया को एक म्यूरल दिखता है जिसमें एक फॉन, एक लड़की जिसको फॉन ओफेलिया बताता है, और एक बच्चा था। जब ओफेलिया उसे पूछती है कि वो बच्चा कौन था तो फॉन उसे मानो इग्नोर करके उसे गोल्डन की मांगता है और उसके सेकंड टास्क के लिए फॉन उसे एक चौक देते हैं। तो अगले दिन सुबह ओफेलिया फिर से बाथरूम में जब वो किताब पढ़ रही थी तो पूरे बुक में रेड कलर अपीयर होता है एंड सून ओफेलिया रियलाइजेस कि वो खून था। जैसे ही वो बाहर आती है कार्मेन को हैवी ब्लीडिंग हो रहा था एंड एज प्रेडिक्टेड बाय द बुक पूरे रूम में खून था। डॉक्टर फेरेरियो के कहने पे ओफेलिया को कुछ दिन दूसरे रूम में भेज दिया जाता है ताकि कार्मेन को सफिशियंट रेस्ट मिल सके। रात को ओफेलिया को डर लगता है एंड मर्सिडीज उसको सहारा देती है। यहाँ ओफेलिया कहती है कि उसे पता है कि मर्सिडीज रेबल्स की मदद कर रही थी, लेकिन ये बात उसने किसी को नहीं कहा क्योंकि वो मर्सिडीज की फिक्र करती है, विच मर्सिडीज रेसिप्रोकेट्स। मर्सिडीज रात के अंधेरे में किचन से एक सीक्रेट जगह से कुछ आइटम्स निकाल लेती है और तभी पीछे से वहां कोई आ जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर फेरेरियो थे। यहाँ पे हम रियलाइज करते हैं कि डॉक्टर भी मर्सिडीज के साथ मिले हुए थे और ये दोनों मिलकर जो यहाँ विडाल का फासिस्ट रूल चल रहा था उसके खिलाफ लड़ रहे थे। हाइडआउट में हम देख पाते हैं कि मर्सिडीज सबके लिए थोड़ा खाना और रिसोर्सेज लाई थी और डॉक्टर फेरेरियो एक आदमी के घाव को चेक करता है। एट दिस पॉइंट हम समझ पाते हैं कि ये वो आदमी है जिसके बारे में मर्सिडीज और फेरेरियो पहले बात कर रहे थे। मैंने बताया था ना किसी का घाव है चेक करना है इत्यादि।
डॉक्टर उसके घाव को देख के उसे एम्प्यूटेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड फोन रात को ओफिलिया से मिलने आता है और पूछता है कि उसने सेकंड टास्क को कंप्लीट क्यों नहीं किया, जिसके जवाब में ओफिलिया कहती है कि उसकी माँ बीमार थी। ये सुनते ही फोन उसे एक मैंड्रेक रूट देता है और कहता है कि उस मैंड्रेक को एक दूध के बॉल में रखना और रोज सुबह 2 बूंद खून भी डालना है। उसे अपने कुछ फेरीज देता है टू हेल्प हर ऑन द सेकंड क्वेस्ट और एक आवर ग्लास भी देता है। फोन उसे वार्निंग देता है कि इस टास्क में जो क्रीचर उसे दिखेगा वो बहुत खतरनाक है और उसे अपने सामने बहुत सारा खाना तो दिखेगा लेकिन शी हैज टू कंट्रोल हर ग्रीड, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। तो रात को फोन के दिए गए चौक से ओफिलिया अपने रूम में एक पोर्टल ड्रॉ करके ओपन करती है एंड आर ग्लास को स्टार्ट करती है। पोर्टल खुलते ही वो उसमें एंटर करती है और अंदर उसे एक टेबल पे बहुत सारा खाना दिखता है और उस टेबल के एक एंड पे बैठा था द पेल मैन। वो बिल्कुल मोशनलेस था और उसके सामने एक प्लेट पे 2 आईबॉल्स रखी हुई थी। अब पहले तो ओफिलिया थोड़ा घबराती है लेकिन सून शी गेन्स कंपोजर और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। उसके सामने 3 चेंबर्स होते हैं और फोन के फेरीज की मदद से वो एक चेंबर चूज करती है। गोल्डन की को यूज करके वो चेंबर ओपन करती है और अंदर उसे एक गोल्डन डैगर मिलता है। इसी के साथ वो टास्क तो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है लेकिन टेबल पे रखे खाने को देख के शी फेल्स टू कंट्रोल हर ग्रीड। वो फेरीज ऑफ फोन के मना करने के बावजूद ग्रेप्स को प्लक करके खा लेती है और इससे पेल मैन जाग जाता है। नाउ एज एक्सपेक्टेड वो पेल मैन ओफिलिया का पीछा करने लगता है एंड जैसे ही ओफिलिया पोर्टल डोर तक पहुंचती है आर ग्लास में रेत खत्म हो जाती है जिससे कि डोर बंद हो जाता है। ऐसे में जल्दबाजी में ओफिलिया रूफ पे एक पोर्टल ड्रॉ करती है और वो वहां से निकलती है। अनफॉर्चुनेटली इस दौरान 2 फेरीज ओफिलिया को बचाने की कोशिश में पेल मैन का शिकार बन जाती है, यानी कि पेल मैन उन्हें खा जाता है। तो अगली सुबह मर्सिडीज डॉक्टर फेरेरो और पेड्रो अपने लोगों के साथ हाइड आउट से निकलते हैं और मर्सिडीज कैप्टन की स्टोर हाउस की चाबी पेड्रो को देती है। ओफिलिया फोन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी मॉम के बेड के नीचे वो मैंड्रेक रूट रख देती है और वहीं दूसरी तरफ पैरेलल में पहाड़ों में गोलीबारी चालू हो जाती है एंड शॉर्टली आफ्टर दिस चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब असल में ये एक डिस्ट्रैक्शन था जो पेड्रो और उसके ग्रुप ने क्रिएट किया था टू डिस्ट्रैक्ट विडाल। ये कैओस क्रिएट करने से विडाल उसकी तरफ जाता है, यानी कि जब मिल के पास विडाल नहीं था तो वो लोग स्टोर हाउस से राशन चुरा लेते हैं। जब विडाल वापस आता है तो वो स्टोर हाउस के लॉक को ओपन देखता है और यहाँ वो रियलाइज करता है कि मिल में ही कोई तो रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है। अगर रेबल ग्रुप्स ऐसे ही चोरी किए होते तो वो लॉक तोड़ते, लेकिन लॉक खुला था। तो इसके बाद जल्द ही ट्रूप्स जंगलों में कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं और एक शूटआउट के दौरान वो पेड्रो के एक दोस्त को पकड़ लेते हैं। विडाल उसे काफी सैडिस्टिक तरीके से टॉर्चर करता है ताकि वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को रिवील कर दे। दूसरी तरफ रात तक कार्मेन की तबीयत में सुधार आने लगती है ड्यू टू मैंड्रेक रूट एंड फोन फिर से एक बार रात को ओफिलिया से मिलने आता है और तभी उसे पता चलता है कि ओफिलिया ने रूल्स तोड़ दिए थे और उसका दिया हुआ वार्निंग नहीं माना, जिसकी वजह से 2 फेरीज मारी गई। फोन गुस्से से ओफिलिया को बोलता है कि वो अभी मॉर्टल ही रह जाएगी और उसके गलती की उसे भुगतनी पड़ेगी। खैर सुबह सुबह विडाल डॉक्टर फेरियो को बुलाते हैं और पकड़े हुए आदमी की ट्रीटमेंट करने बोलते हैं, लेकिन इस आदमी की हालत इतनी खराब थी कि वो डॉक्टर को उसे मार देने की भीख मांगता है। डॉक्टर से उसका ये बुरा हाल नहीं देखा जाता एंड वो उसे यूथेनाइज कर देते हैं, यानी कि एक ऐसा मेडिसिन जिससे पेनलेस मौत मिलती है। इसी वक्त विडाल को डॉक्टर के बैग में वो एंटीबायोटिक मिलता है जो पहले जंगल में वो रेबल ग्रुप छोड़ गए थे। ही रियलाइजेस कि डॉक्टर भी इन सब से मिला हुआ है एंड शूट्स हिम। विडाल को मैंड्रेक रूट के बारे में पता चलते ही वो उस पे हाथ उठाते हैं और कार्मेन दोनों को संभाल लेती है। गुस्से में मैंड्रेक रूट को आग में फेंक दिया जाता है और जैसे ही वो जलने लगता है कार्मेन के कॉन्ट्रैक्शंस और पेन बढ़ जाते हैं। बहुत देर बाद फाइनली बच्चा की डिलीवरी हो जाती है लेकिन कार्मेन दम तोड़ देती है। तो इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब सिचुएशन थोड़ा स्टेबल हो गया था और विडाल कन्फ्रंट्स मर्सिडीज एंड बताता है कि उसे पता है कि वो इस मिल की सीक्रेट इन्फॉर्मर है। ऐसे में मर्सिडीज उसी रात भागने का डिसीजन लेती है एंड जाने से पहले वो ओफिलिया से मिलने जाती है। ओफिलिया भी उसे साथ ले जाने की जिद करती है एंड मर्सिडीज भी मान जाती है। वो लोग भाग तो जाते हैं लेकिन विडाल वॉज प्रिपेयर्ड और वो उन्हें रास्ते में ही पकड़ लेता है। यहाँ वो ओफिलिया को फिजिकली अब्यूज करता है और रूम में बंद कर देता है और ओफिलिया को टॉर्चर करने के लिए उसी स्टोर हाउस में ले आता है। अब मर्सिडीज के पास पहले से ही छुपाया हुआ किचन नाइफ था जिसको यूज करके वो कैप्टन को जख्मी करके भाग जाती है। ऑब्वियसली वो बहुत दूर तो नहीं भाग पाती और जब उसे गार्ड्स पकड़ने वाले होते हैं तो पेड्रो के लोग उन्हें बचाने आ जाते हैं। मीनवाइल ओफिलिया अपने कमरे में बंद होती है और उसे मिलने फोन आता है। सरप्राइजिंगली फोन को देखती है ओफिलिया उसे जाके हग करती है विच शोज कि वो फोन से काफी क्लोज हो चुकी थी। फोन उसे एक आखिरी मौका देता है सिर्फ एक शर्त पे कि उसे अपने भाई को लैबिरिंथ तक लाना होगा। उसे एक और चौक देता है ताकि वो
रूम से निकल सके। ओफेलिया उसके स्टेप फादर के रूम में पहुंच जाती है और उनके ड्रिंक्स में अपनी माँ की नींद की दवा मिला देती है, जो कि वो पी भी लेते हैं। फिर वो उस बच्चे को लेके भाग जाती है लैब्रिंथ की तरफ। मदहोशी की हालत में विडाल भी उनका पीछा करता है। अब इसी वक्त बैकग्राउंड में गोली बारूद चालू हो गई थी और पेड्रोस ग्रुप वॉज फाइटिंग अगेंस्ट विडाल्स ट्रूप्स। जैसे ही ओफेलिया लैब्रिंथ के ऑल्टर तक पहुंचती है, वहां फोन उसके इंतजार में हाजिर था। फोन उसे अपने भाई को सौंप देने को कहता है सो दैट एक इनोसेंट पर्सन के ब्लड से ओफेलिया के लिए पोर्टल ओपन किया जा सके। ओफेलिया मना कर देती है विद शॉक्स फोन। वो गुस्से में कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो अपनी आखिरी उम्मीद भी गवा देगी। फोन ये तक कहता है कि ये एक ऐसा बच्चा है जिसे वो जानती तक नहीं ठीक से, मतलब एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, तो इसका सैक्रिफाइस से उसे क्या प्रॉब्लम। लेकिन तब भी ओफेलिया मना कर देती है और इतने में विडाल आके बच्चों को लेकर ओफेलिया को शूट कर देता है। लैब्रिंथ के बाहर मर्सिडीज और पेड्रो इंतजार ही कर रहे थे विडाल का। विडाल को समझ में आ जाता है कि अभी उसका बचपना पॉसिबल नहीं था और उसके ट्रूप्स को पेड्रो के लोगों ने आउटनंबर कर दिया था एंड ही सरेंडर्स। वो मर्सिडीज से अपने बेटे को देके उस बच्चे को अपने डेथ टाइम को कहने बोलता है, जिसके जवाब में मर्सिडीज कहती है कि वो उस बच्चे से उसके पिता का नाम तक नहीं कहेंगे। अब ओफेलिया ऑल्टर के पास ही गिर जाती है और उसके खून से ही ऑल्टर का पोर्टल खुल जाता है। इस वजह से ओफेलिया फाइनली अपने माता पिता से मिल पाती है। जी हाँ, उसके वही पिता जो कि अंडरवर्ल्ड रेलम के किंग थे। अब यहाँ आता है कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट। एक्चुअली ओफेलिया के पिता जो कि किंग थे अंडरवर्ल्ड के, वो कहते हैं कि ओफेलिया का फाइनल टास्क यही था कि उसे अपने भाई को बचाना था, इवन इफ इसके लिए उसे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़े, और इस टास्क को कम्प्लीट करके ओफेलिया इमॉर्टल बन चुकी है। जी हाँ, यानी कि ओफेलिया अपने फाइनल टेस्ट में पास कर चुकी थी। इसके आगे बहुत सालों तक प्रिंसेस मोआना अपने रेलम को बहुत ही अच्छी तरीके से रूल करती है एंड द लास्ट लाइन ऑफ द मूवी सेज कि वो अर्थ पे भी अपने इंप्रेशन छोड़ गई, विच आर विजिबल टू ओनली दोज जो जानते हैं कि उन्हें कहां देखना है। इसी के साथ कहानी खत्म। दोस्तों, ये थी पैंस लैब्रिंथ की कहानी एंड यू कैन सी कि कहानी काफी सिंपल सी है, ज्यादा उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ थियरीज हैं, हिडन मीनिंग्स हैं। तो पहली बात ये है कि इस पूरे फिल्म में हमें दो कम्प्लीटली डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देखने को मिलता है। एक जिसमें एक लड़की फेरी टेल्स की दुनिया में जा रही है विथ मिस्टिकल क्रीचर्स एंड सीक्रेट पोर्टल्स, और एक ऐसा रियलिटी जहां लोग अपने हक के लिए मर रहे हैं और उन्हें रोज मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ रहा है, आई मीन ह्यूमन रूपी मॉन्स्टर जो कि विडाल था। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही दो डिफरेंट वर्ल्ड है जहां पे स्टार्क कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है? आई मीन सोच के देखो, जो हमने पेल मैन कैरेक्टर को देखा या फिर फॉन को देखा, ये दोनों मिस्टिकल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये उतने डरावने नहीं लगते जितना कि कैप्टन विडाल था। कैप्टन विडाल का सैडिस्टिक नेचर हर तरह से पोर्ट्रे किया गया है, चाहे वो उनके एक्शंस हो, उनके टॉर्चर करने का तरीका हो, उनका बिहेवियर हो, उनका जो जेंडर बायस है, वो वाइफ के साथ कैसे बिहेव करते हैं, अपने नौकर्स के साथ कैसे, सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे, सब कुछ एकदम बेकार है। नाउ ओफेलिया जो कि एकदम फेरी वर्ल्ड को एक्सेस कर पा रही थी, उसकी कंडीशन देखा जाए तो मर्सिडीज की कंडीशन से काफी मिलती जुलती है। दोनों ही अपनों की फिक्र करते हैं एंड आर टॉर्न बिटवीन टू वर्ल्ड्स। यानी कि ओफेलिया अपना क्वेस्ट जारी रखी है सो दैट शी कैन गो बैक टू अंडरवर्ल्ड रेन, और उसी टाइम पे वो अपने घर पे अपने स्टेप फादर से डील कर रही होती है। मर्सिडीज भी सीक्रेटली अपने भाई को हेल्प करती है टू स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन, और यहाँ पे वो कार्मेन और ओफेलिया की पूरी ख्याल रखती है। कुछ सीन में हम ये भी देख पाए कि विडाल मर्सिडीज को सेक्सुअली हरास कर रहा था, जो कि काफी कुछ बताता है उसके मेंटालिटी के बारे में। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू गुलर्मो डेल टोरो, कैप्टन विडाल का रूम उनके पॉकेट वॉच के जैसे ही डिजाइन किया गया था। पर्सनली आई फील दिस शोज हिज स्टेट ऑफ माइंड। विडाल का वॉच उसके फादर का था, जिन्होंने मरते वक्त उसे तोड़ दिया था टू रिमाइंड हिज सन ऑफ हिज एक्ट ऑफ ब्रेवरी, लेकिन विडाल इस वॉच को रिपेयर करता है, सिग्निफाइंग कि वो बिलीव करता है कि वो उसके फादर के लेगेसी को कंटिन्यू करेगा और उसका बेटा भी ऐसा ही करेगा। ये उसके टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को पोर्ट्रे करता है और उसके स्टेट ऑफ माइंड को भी बताता है। इनफैक्ट अगर मैस्कुलिनिटी की बात कर ही रहे हैं तो हम देख ही पाए थे कि सीरीज में वो कैसे ओफेलिया की कोई केयर नहीं करता है, लेकिन उसे अपने बेटे का बहुत केयर था, जबकि वो एकदम नवजात था। इनफैक्ट वो कह भी रहा था कि उसे होगा तो बेटा ही। फिल्म में बहुत सटल तरीके से हमें सभी कैरेक्टर्स की मजबूरियां दिखाई जाती हैं, स्पेशली कार्मेन की। पहले हमें लगता है कि कार्मेन ने बाय चॉइस विडाल से शादी की है, बट एज द प्लॉट प्रोग्रेसेस हमें ये समझ आ जाता है कि वो ये सब ओफेलिया के अच्छे फ्यूचर के लिए कर रही थी। स्पेशली इन द सीन जहां पे ओफेलिया की डिनर वाली ड्रेस खराब होने पे उसकी माँ काफी इरिटेटेड हो जाती है। टाइम एंड अगेन वी सी कि कार्मेन को विडाल के सोसाइटी में एडजस्ट करना डिफिकल्ट लग रहा है, बट वो सारी सैक्रिफाइसेस अपनी बेटी के लिए कर रही थी, including the fact that she was carrying Vidal's child. अभी overall movie की theory कहने को तो simple लगती है, लेकिन Guillermo del Toro ने काफी सारे fairy tales और mythical creatures द्वारा बहुत कुछ symbolize किया है। अब जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, Princess Moana underworld run से भाग के human world में आ जाती है, लेकिन जल्दी अपना याददाश्त खो बैठती है। यहाँ पे she is born as Ophelia, जो कि एक मामूली लड़की है, लेकिन she is the only person जो portal खोल भी सकती है। जिस Princess Moana को खुले आसमान और इंसानी दुनिया की natural wonders को enjoy करना था, वो
इसी दुनिया की एक डार्क साइड देख बैठती है, जहां पे लोग पावर के लिए दूसरे लोगों को मार डालते हैं। तो जैसे ही उसका टाइम अर्थ पे कंप्लीट होता है, वो फिर से अंडरवर्ल्ड में चली जाती है, वेयर शी लिव्स एन इमॉर्टल लाइफ। मूवी की लास्ट लाइन भी बहुत डीप और मीनिंगफुल थी, जहां कहा गया कि जितने दिन प्रिंस मोआना इंसानों के बीच बिताई, वो बहुत सारे लोगों के दिलों में अपना छाप छोड़ गई। मर्सिडीज को उसमें एक सहारा मिला, उसके भाई को एक लविंग सिस्टर मिली, एंड सच अदर एग्जांपल्स, यानी कि प्रिंसेस मोआना का हर एक अच्छा काम एक छोटा सा इंप्रेशन हमारी दुनिया में छोड़ गया है, बस हमें उसे ढूंढने और पहचानने की जरूरत है। ये काइंड ऑफ हमारे रियल वर्ल्ड के लोगों से भी कंपेयर होता है कि जब भी कोई इंसान अच्छा काम करता है और हम उसे देखकर प्रेरित हो जाते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा काम करते हैं, यानी कि उस इंसान ने हमारे ऊपर छाप छोड़ दिया। बट हाँ, अगर हमारी दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, जैसे इस फिल्म में था विडाल के रूप में, या फिर जो हम मॉन्स्टर्स देख पाए। तो इतना बताने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप फिल्म के डीपर मीनिंग्स को भी समझ गए होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।